जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे कि पुलिस थाना में एफआईआर कैसे लिखें। एफआईआर जो लिखते हैं पुलिस थाना में, यानी शिकायत पत्र जो लिखते हैं थाना प्रभारी महोदय को, वो कैसे लिखे। लड़का का निवेदन था कि एफआईआर लिखना थोड़ा सिखा दीजिए। तो चलिए आज देखेंगे हम कि एफआईआर कैसे लिखे, यानी शिकायत पत्र कैसे लिखे थाना प्रभारी महोदय को। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं, देख लीजिए। सबसे पहली बात, एफआईआर के लिए शिकायत पत्र कैसे लिखा जाए। एफआईआर जो होते हैं, समझिएगा एक बात को, कि एफआईआर जो होते हैं, जैसे आप जमीन विवाद के लिए लिखते हैं, या हो सकता है भाई में बंटवारा के लिए लिखते हैं, जमीन विवाद के लिए, वही यानी भाई में बंटवारा के लिए, और हो सकता है एफआईआर आप किसी झगड़ा लड़ाई के संबंध लिखते हैं, तो सारा चीज आपको एफआईआर में लिख के आप देते हैं ताकि वो उनके समझ सके और उस पर वो एक्शन लेते हैं। देखिए समझिए बातों को। एफआईआर लिखने के लिए शिकायत पत्र पहले लिखते हैं आप सेवा में, उसके बाद कॉमा दे दीजिएगा, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, यहाँ भी कॉमा दे दीजिएगा। जैसे आपका जो थाना पड़ता है उसका नाम और जिला, तो या मतलब हाँ ब्लॉक के अंदर है तो वही, और नहीं तो थाना, यहाँ पर थाना दे दीजिएगा और वहां पर जिला दे दीजिएगा। ठीक है, तो मेरा मान लीजिए थाना जो है बिस्फी है और जिला मधुबनी पड़ता है, दे दिया हमने। उसके बाद दीजिएगा दिनांक। अब दिनांक कितने तारीख को एफआईआर लिख रहे हैं वो दिनांक दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे कोई यहाँ पर आप डेट मेंशन कर दीजिएगा दिनांक। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है विषय, विषय किस संबंधित में, यानी किस विषय पर आप लिखना चाहते हैं और किस क्या हुआ है आपके घर में, किस विषय पर लिख रहे हैं। जमीन संबंधी विवाद के लिए आवेदन पत्र, मान लीजिए मैं अभी आपको पब्लिक को दिखा रहा हूँ, वो जमीन संबंधी विवाद के लिए आवेदन पत्र सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हो सकता है आपको यहाँ पर लिख दें झगड़ा संबंधी, है ना, यानी झगड़ा के संबंध में आवेदन पत्र, है ना, तो झगड़ा के संबंध में भी आवेदन पत्र आप लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से जो आपको लिखना है वो आप इसमें पुट कर दीजिएगा, यहाँ पर विषय डाल के वो आप डाल दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक है ना सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए महाशय, आपको ये पैराग्राफ चेंज कर देना है, मान लीजिए जमीन संबंधी विवाद के लिए आवेदन पत्र दिए हैं या झगड़ा संबंधी विवाद के लिए आवेदन पत्र दिए हैं, उसको आप पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, लिखिएगा महाशय, इस लाइन को छोड़ दीजिएगा पूरा। ठीक है, और एक चीज और कीजिएगा, कोई भी पेपर जो होता है A4 पेपर में लिखिएगा, A4 पेपर में, A4 लंबा वाला जो पेपर आता है उसमें, और उसको एक चौथा यानी इतना इतना मोड़ के हटा दीजिए ताकि सिग्नेचर वगैरह आगे और पीछे उतना जगह छोड़ दीजिए ताकि सिग्नेचर वगैरह करने में थोड़ा सा आसानी हो उनको। ठीक है, उसके बाद लिखेगा ये लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद लिखेगा सविनय निवेदन, यह है कि मैं यहाँ अपना आप नाम डाल दीजिएगा, जो भी आप लिख रहे हैं उनका जो आपका नाम है वो डाल दीजिएगा, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम डाल दीजिएगा, सुपुत्र है ना, आप किनके लड़का है वो डाल दीजिए, यानी अपने पिताजी का नाम डालना है। ठीक है, मैं आपके थाना क्षेत्र बिस्फी, आपको जो थाना पड़ता है यहाँ अपना थाना लिखना है, आपको जो थाना है आपका, उसके बाद यहाँ आपको गाँव लिखना है, किस गाँव के है ना का अस्थाई निवासी हो, आप अस्थाई नहीं है मान लीजिए अभी आके आप बसे हैं तो अस्थाई नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा निवासी हो। ठीक है, और अगर आप अस्थाई निवासी है, पहले से ही बहुत पहले से रहते हैं तो उसको अस्थाई निवासी कहते हैं, तो अस्थाई निवासी हूँ। मेरी समस्या यह है कि मेरे छोटे भाई, यह हो सकता है यहाँ पर पड़ोसी आपका हो जाए, छोटे भाई या पड़ोसी है ना, तथा मेरे बीच जमीन का सामाजिक बंटवारा हुआ था। अब आपके बीच आपके भाई और या आपके पड़ोसी के बीच क्या हुआ था, जमीन का सामाजिक बंटवारा हुआ था, यानी समाज के स्तर पर मुखिया सरपंच जो आते हैं उसके बाद जिस स्तर पर बंटवारा होता है उसे सामाजिक अस्त मतलब बंटवारा कहते हैं, एक तरह से कह दीजिए जैसे पंच महात हो गए या गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं समझदार, उनको बैठा दिया जाता है और उनके बाद जो बंटवारा होता है उसे सामाजिक बंटवारा कहते हैं। समझ में आ गया, तो सामाजिक बंटवारा हुआ था जिससे मेरा छोटा भाई नहीं मान रहा है या मेरा पड़ोसी नहीं मान रहा है, जिससे मैं अपना मकान नहीं बना पा रहा हूँ, मेरा अपना मकान नहीं बना पा रहा हूँ, अतः श्रीमान यानी अतः श्रीमान थाना प्रभारी महोदय से, अतः थाना प्रभारी महोदय से है ना आग्रह है कि मेरे इस जमीनी विवाद को जल्द से जल्द सुलझा देने का कृपा प्रदान करेंगे, जल्द से जल्द सुलझा देने का कृपा प्रदान करेंगे। आप यहाँ उसके बाद नाम डाल दीजिएगा अपना, उसके बाद यहाँ पता डाल दीजिएगा, पिता के नाम भी बीच में दे सकते हैं, पिता का नाम दे दीजिएगा बीच में। ठीक है, उसका पता डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर, और यहाँ अपना सिग्नेचर डालिएगा, जो पूरा सिग्नेचर है वो लिखिएगा आप, जो पूरा लिखते हैं, मान लीजिए आप जैसे रवि कुमार यादव लिखते हैं या रवि कुमार मंडल लिखते हैं या रवि कुमार साहनी लिखते हैं, रवि कुमार राम लिखते हैं, जो पूरा सिग्नेचर डालिएगा जो आप लिखते हैं। समझ आ गया, इस तरीके से आप एफआईआर है ना एफआईआर के लिए शिकायत पत्र तैयार कर सकते हैं। अगर झगड़ा संबंधी रहेगा तो उसमें भी आप कुछ चेंज कर दीजिएगा, जैसे सबने यहाँ पर लिख दीजिएगा झगड़ा के संबंध में, वहां से समय निवेदन यह है कि मैं नाम या सुपुत्र पिता का नाम मैं आपके थाना क्षेत्र या जो आपका यहाँ पर मतलब थाना का जगह है वो दीजिएगा, या गांव दे दीजिएगा, या आपका जो जिस जिला मतलब जिस थाना के अंतर्गत आते हैं वो दीजिएगा, वहाँ गांव दे दीजिएगा, अस्थायी निवासी हूँ,
मेरी समस्या यह है कि मेरे और मेरे पड़ोसी के बीच झगड़ा हो गया है, और झगड़ा इस संबंध में हुआ कि मतलब झगड़ा किस संबंध में हुआ, माने जमीनी विवाद को लेकर ही हुआ होगा, तो पूरा ऐसे ही लिखना है आपको। और कोई अलग समस्या से झगड़ा हुआ है तो वो भी आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट जरूर करें, और जो इस वीडियो को रिकमेंड किए थे वो जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।